विधवा से गैंग रेप। बरेली आमला में विधवा से 5 लोगों ने किया गैंग रेप। विरोध करने पर महिला को पीटा। FIR लिखवाने पहुंची महिला को पुलिस ने थाने से भगाया। बस स्टैंड पर पूरी रात रोती रही महिला। यूपी के बरेली में एक विधवा से 5 लोगों ने गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आधी रात को घर में घुसे दरिंदों ने महिला की असमत से खिलवाड़ किया। महिला जब थाने पहुंची तो पुलिस ने पीड़िता को धुतकार कर थाने से भगा दिया। बस स्टैंड पर रोती हुई इस महिला के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आमला थाना क्षेत्र में रहने वाली इस महिला का आरोप है कि 5 लोगों ने रात 12 बजे के बाद उसके घर में घुसकर बारी बारी से बलात्कार किया। महिला के विरोध करने पर उसको पूरी तरह मारा पीटा। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। मोहल्ले के लोगों को देख दरिंदे वहां से महिला को धमकी देकर चले गए। महिला जब सुबह थाने पहुंची तो उसे आमला थाने की पुलिस ने धुतकार कर भगा दिया। महिला रोती बिलखती बस स्टैंड पर जा पहुंची और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बस स्टैंड पर रोती रही है। बात जब स्थानीय पत्रकारों को पता चली तो वह मौके पर पहुंचे। पत्रकारों ने दखल देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस महिला को अपनी गाड़ी में बैठा कर थाने ले गई। पुलिस मामले की जाँच की बात कर रही है। 8 बजे तक तो ऐसे ही सब जने हम से लड़ते रहे बेफुसूल के। फिर 10-12 बजे रात को सबने हमारे पास जाके हमारे साथ सबने मुतलकपुर की ही है। गांव की है? हाँ। आपने शिकायत नहीं की पुलिस को? मैंने 11 बजे एप्लीकेशन लिख के दी पर अभी तक हमारे घर पे कोई पुलिस भी नहीं पहुंची है। सोनलाल मोहनलाल मुलायम सिंह और नन्ने और ओमवीर 4-5 जने सर। आंवला में एक घटना हुई है, एक महिला के आरोप है कि उसके साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया है। क्या मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? उसमें मुकदमा लिख लिया गया है, कार्रवाई कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, लेन देन का मामला था कुछ जो है, तो आगे जैसा भी होगा कार्रवाई की जाएगी। महिला ने क्या आरोप लगाया? मैंने रेप का ही आरोप लगाया विपक्षियों पर। महिला का ये भी आरोप है सर वो थाने गई थी उसको भगा दिया गया? नहीं, भगाया नहीं गया, मुकदमा लिख लिया गया उसका। लेकिन महिला चाह रही थी तत्काल गिरफ्तारी हो, लेकिन वो मामला संदिग्ध लग रहा था, इसलिए जाँच के बाद कार्रवाई हुई। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।